आज दोबारा से हमारा मौसम बना हुआ है कुछ इस तरह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पहाड़ के ऊपर आई हुई हैं, ये देखें भेड़ बकरियाँ, ये जो वाइट वाइट छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं ये भेड़ हैं, ऊपर चढ़ी हुई हैं। माशाल्लाह बारिश में आने की वजह से पहाड़ हो गए थे सरसब्ज, और वो अब घास खाने आई हुई हैं। ये देखें, शायद आप लोगों को ठीक से दिखाई ना दे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी सारी भेड़ें, ये हमारे घर के सामने ही हैं। और माशाल्लाह ऊपर मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, शायद आज बारिश है, लेकिन कर फार्म नहीं है, बारिश आती है या नहीं आती। तो जी, यहाँ पर हो रही है बारिश। जैसा कि दिन को मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और अब रात के टाइम हो रही है बारिश। तकरीबन ये इशा का टाइम है, मुझे कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हम घर में ही होते हैं, जब अजान होती है नमाज़ पढ़ लेते ये हैं। पाकिस्तान से आई है मिठाई, ये देखें थोड़ी सी येलो है और थोड़ी सी ये है, तो इसके साथ रखा हुआ था ये येलो। मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो मुझे कुछ वो वाला सीन आ रहा है। पता नहीं, जब हम पाकिस्तान में थे तो इस तरह की कोई मिठाई नहीं थी, और भी नहीं है, बस इसको रंग चढ़ गया। तो बारिश रुकने के बाद यहाँ पर हो गया था जी टाइम रात के 8 का। तो हम जा रहे थे बाहर, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ठंडा था, और हमने कोई चीज़ लेनी थी, वो है आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़। तो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लेना था। तो बच्चों को मैंने कोई ख़ास रेडी नहीं किया, क्योंकि हम बाहर ही जा रहे थे और यहीं अपने शहर में ही थे, और बाहर बारिश थी, तो बच्चों ने सिर्फ गाड़ी में ही बैठना था। तो गली भी काफ़ी गीली हुई हुई थी, और अभी शहर में पानी रुका हुआ था, लेकिन बारिश यहाँ पर रुक गई थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, जैसे कि आजकल बारिशों का ही सीज़न, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 1 महीने से हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं, हफ्ते बाद 5 दिन बाद इस तरह से बारिशें हो रही हैं। तो जी, यहाँ पर ऊपर है हमारा घर, हमने थोड़ा सा ही आगे जाना है। तो मैंने मियाँ को कहा पैदल चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई भी अपनी फैमिली को मैंने कभी नहीं देखा कि वो पैदल जा रहे हैं। हालांकि हमने 5-7 दुकानें छोड़ के ही आगे जाना था, लेकिन वो हमें जो है ना गाड़ी पर ही लेकर गए। वो कहते हैं जहाँ इंसान रहता है ना, वहाँ के माहौल के मुताबिक रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलें, हालांकि कोई दूर नहीं थी, वो दुकान बिल्कुल ही साथ थी। तो बाहर माशाल्लाह हमारे बारिश के बाद मौसम काफ़ी जो है ना ठंडा ठंडा बना हुआ था, और गाड़ी के शीशों पे अभी भी बारिश थी, क्योंकि उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने साफ़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आगे से ही शीशा साफ़ कर लिया था, और हमने दूसरी साइड ही आना था। माशाल्लाह यहाँ बहुत ही अच्छा और प्यारा प्यारा मौसम बना हुआ था। तो जी, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने आना था। तो जी है, ये है दुकान। तो मेरे मियाँ यहाँ पर पहले भी आए थे, लेकिन देखे मैंने वही घर वाले शूज़ पहन के आ गई थी, क्योंकि हमने साथ में कोई चीज़ लेनी थी। मैंने कहा क्या, मैं अब रेडी हूँ, बच्चों को रेडी करूँ। तो जी, यहाँ पर मैंने लेनी थी ये स्टीम आयरन। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, बड़ी छोटियाँ थी, लेकिन मैं कह रही थी कि मुझे ना मीडियम साइज़ में चाहिए, लेकिन यहाँ पर लार्ज ये एक पड़ी थी। ये बुखार में आ गया मोए, पता भी है मोए है ना, आई थोड़ा सा है ना, बदन हो गया ना, बुखार सटी है। तो कम कबीर हदा समय खांसी वसत। तो यहाँ पर वो सऊदी अपनी ज़बान में हमें समझा रहा था, मुझे तो ज़्यादा अरबी समझ आती नहीं, मेरे मियाँ को बता रहा था कि इस तरह से ये चलती है, ये वो इसके जो फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं दुकान में थोड़ा देख रही थी सामान, मुझे ये वाले फ्रिज का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो इंशाल्लाह जब अपना न्यू घर बनवाऊँगी तो ये वाला फ्रिज ज़रूर लूँगी, अगर ज़िंदगी रही तो। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी फ्रिज थे, ऑटोमेटिक मशीनें थी, दूसरी थी, हर तरह का सामान था। तो जो जिद्दे से हम सामान लेते हैं, वहाँ की निस्बत यहाँ पर रेट में काफ़ी फ़र्क था, काफ़ी, यानी कि 200-400 तक का फ़र्क था। जो वहाँ से मैंने एक यहाँ पर मशीन थी ऑटोमेटिक, वो जिद्दे में मैंने 1000 की ली थी, तो वो यहाँ पर 16000 या 14000, इसी तकरीबन 16 या 14000 की थी। तो काफ़ी सारा फ़र्क था, वही मशीन थी, वही चीज़ थी, वही सब कुछ था, वही कंपनी, वही मॉडल। लेकिन मैं तो मियाँ को कह रही थी कि, मेरे मियाँ कह रहे थे कि वो कुछ दिन पहले आए थे ये आयरन देखने, तो उन्होंने कहा
कुछ 850 रियाल की है, तो आज वो बोल रहे थे 950 रियाल, तो मेरा दिल नहीं था ख़ास लेने पे, तो वैसे मैं आगे देखने, बाकी कपड़े घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दिल भी चाह रहा था कि हाँ मैं ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं, इससे इजीली कपड़े प्रेस हो जाएंगे। बाकी इसको मैंने कभी भी ना तो यूज़ किया था और ना ही यूज़ होते हुए देखा था। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह ओमन वगैरह सब कुछ था, न्यू था, तो दिल कर रहा था कि मेरा जल्दी से न्यू घर बन जाए और मैं भी अपने घर में ऐसी न्यू और अच्छी यहाँ पर लेकर आए थे हम ये वाली इस्त्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं दूंगी आपको रिव्यू और दिखाऊंगी कि ये कितना काम करती है और कैसे ऑन ऑफ होती है और किस तरह से कपड़े होते हैं प्रेस। तो जी अपना और अपनों का रखिए ख्याल, इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो मेरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो जी अल्लाह हाफिज़।